हाय मॉमीज़ एंड डैडीज़ वेलकम बैक टू मॉन्गकॉम इंडिया थैंकफुली ओमिक्रॉन की वेव अब सबसाइड हो रही है तो फाइनली मैंने अपनी तीन महीने की बेटी नूर को घर से बाहर ले जाना शुरू किया है मैंने उसका पाक रूटीन सेट कर दिया है जो मैं आज के वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ हम कैसे पाक के लिए प्रैप करते हैं क्या क्या करते हैं थोड़ी बहुत डिटेल्स आपसे शेयर करूँगी जो सब पेरेंट्स को हेल्प करेगी नाउलेट्स गेट स्टार्टेड सो so, अभी बज चुके हैं शाम के साढ़े चार नूर अपनी फीड ले चुकी है आफ्टरनून नैप ले चुकी है अब मैं उसे क्विकली रेडी कर रही हूँ यहाँ पे मैं उसका डायपर चेंज कर देती हूँ ताकि उसका फ्रेश डायपर हो कोई हेयर एक्सेसरी पहना देती हूँ लेयरिंग कर देती हूँ अगर मुझे लगे कि थोड़ी बहुत ठंडक अभी भी है और उसके बाद कबीर के पास उसको पाँच दस मिनट के लिए लिटा देती हूँ एंड उस टाइम में मैं उसका प्रैम रेडी कर लेती हूँ तो ये प्रैम जो मैं नूर के लिए यूज कर रही हूँ ये लव लैब ब्रांड की है ये उनका गैलेक्सी स्ट्रोलर है इन नेवी ब्लू कलर बहुत इजीली आपको Amazon पे मिल जाएगा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मेरे अकॉर्डिंगली ये ग्रेट वैल्यू फॉर मनी है आइए अब इसको रेडी कर लेते हैं तो सबसे पहले मैट बिछा देते हैं उसके ऊपर रख, रख, है रख लेते हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चे नूर से मिलने आते हैं और एक बॉटल पानी की रख लेते हैं ममा के लिए बिकॉज मेरी भी काफी वॉक हो जाती है तो प्यास लग जाती है और अब मैं नूर को प्रैम में लेटा रही हूँ नूर बहुत एक्साइटेड होती है पार्क जाने के लिए

कोविड था विंटर्स थी तो उसके पहले तीन महीने ऑफ लाइफ ऐसे ही निकल गए हैं तो पार्क में जाके अब उसको बहुत मज़ा आता है ब्लू स्काइज देखना बर्ड्स की चर्पिंग साउंड बच्चों का हंसना यू नो देस अ लॉट फॉर हर टू एक्सप्लोर सो मैं पार्क में यूजुअली एक घंटा स्पेंड करती हूँ इसीलिए मैं नोट के थोड़े बहुत टॉयज भी रख लेती हूँ टू कीप हर बिजी जस्ट इन केस नीडेड आप देख सकते हो कि ये प्रैम बहुत ही स्पेशियस है इनफैक्ट आप यहाँ पे काफी सारी चीजें रख सकते हो एंड जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है तब भी आपको स्पेस का इश्यू नहीं आता बिकॉज इस प्रैम में बहुत ज्यादा स्पेस है टू अकोमोडेट द ग्रोथ ऑल्सो जब बेबीज बहुत छोटे होते हैं ना तो कई बार उनको सेपरेशन एनजाइटी होती है जब वो आपको बहुत देर तक ना देखें या फिर आपका ही मन कर जाता है कि यार बहुत देर हो गई अब मुझे अपने बेबी से थोड़ा बात करना है थोड़ा मस्ती करना है तो लवलैफ गैलेक्सी स्ट्रोलर में आपको ये फंक्शनैलिटी भी मिलती

कबीर की भी कोई ना कोई ट्रेनिंग हो रही होती है क्रिकेट बास्केटबॉल टेनिस कुछ ना कुछ इस टाइम पे चल रहा होता है तो बीच बीच में हम रुक जाते हैं मैं नूर को पिक अप कर लेती हूं और थोड़ा बहुत उसको आस पास दिखाती हूँ you know, नेचर के क्लोज लेके जाती हूँ विच ही लव्स बहुत जल्दी वो बैठना शुरू कर देगी और तब लव लैब गैलेक्सी स्ट्रोलर का ये जो थ्री सीट रिक्लाइन ऑप्शन है ये मेरे बहुत काम आने वाला है कि मैं आराम से उसे बिठाऊंगी और वो कबीर को देखेगी विच ही कैन जस्ट डू फॉर आवर्स गर्ल्स बेसिस माई एक्सपीरियंस विद टू किड्स मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप अपने बेबी के रूटीन में वॉक को ज़रूर इनकॉपरेट कीजिए इनफैक्ट दिन में एक बार नहीं आप कोशिश कर सकते हैं उन्हें दो बार ले जाने की मुझे याद है कबीर के टाइम पे मैं उसे अर्ली मॉर्निंग में वॉक पे लेके जाती थी और शाम को भी लेके जाती थी एंड सेम चीज़ मैं नूर के साथ करूंगी बस थोड़ी गर्मी और आ जाए बेबीज़ को जब हम नेचर में लेके जाते हैं तो बहुत अच्छा स्टिम्यूलेशन होता है उनके ब्रेन के लिए उनकी लर्निंग के लिए एंड वो बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं इनफैक्ट बेबीज़ को वॉक पे लेके जाना सिर्फ बेबीज के लिए अच्छा नहीं होता मदर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है इट्स अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर एंड ये आपको वेट लूज करने में फिट रहने में भी बहुत हेल्प करता है एंड इट गिव्स यू सम टाइम टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ सो नाउ अराउंड वन आवर पार्क में स्पेंड करने के बाद हम घर वापस आ जाते हैं बेबी इज़ हैप्पी ममा इज़ हैप्पी नूर इस टाइम तक बहुत स्लीपी हो चुकी होती है तो मैं उसे थोड़ा सा रॉक करके बस सुला दूंगी वंस वो डीप स्लीप में चले जाए मैं उसको उसके कॉट में रखूंगी एंड देन फिर वो अराउंड 40 मिनट्स के बाद उठ जाती है एंड फिर हम अपना नाइट टाइम रूटीन स्टार्ट करते हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया आया तो लाइक like बटन जरूर हिट कर देना लव लैब गैलेक्सी स्ट्रोलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहां जाके इसे चेक कीजिए लाइक आई सेड इट इज ग्रेट वैल्यू फॉर मनी गाइस